हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यूज़ इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे क्रूज़र कंपनी के गैस गीज़र का, जो एक वैल्यू फॉर मनी और बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसके साथ ही मैं गैस गीज़र का इंस्टॉलेशन टी कनेक्शन के साथ बताऊंगी और इसके एडवांटेज और सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में गैस गीजर आया हुआ था। तो इस बॉक्स के ऊपर मेंशन है कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड। तो इससे रिलेटेड भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जब भी मैं इसको मार्केट से परचेज करके लाई तो कुछ ही घंटों बाद मैंने कंपनी के पर फ़ोन कर दिया था, तो इंस्टॉलेशन वाले आ गए थे। उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इसका पूरा इंस्टॉलेशन किया, तो मैं तो जो है हाईली सेटिस्फाइड हूँ उनके मतलब इस सर्विस से। इस बॉक्स के ऊपर मेंशन है आल्सो अवेलेबल फॉर पीएनजी कनेक्शन। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर है ये 7 लीटर कैपेसिटी का है, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 7 लीटर, इसमें कोई टैंक तो होता नहीं है 7 लीटर का। ये जो है 7 लीटर पर मिनट आपको हॉट वाटर देगा। तो ये वाटर हीटर जो होते हैं इंस्टेंट होते हैं, तुरंत आपको टैप खोलते ही गर्म पानी मिल जाता है। और 7 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में मतलब आपको 7 लीटर गर्म पानी ये देगा। ये ISI प्रोडक्ट है, ज़ीरो प्रेशर है। ज़ीरो प्रेशर का मतलब यहाँ पर ये है कि लो वाटर प्रेशर पर भी फ्रेंड्स ये काम करेगा। कभी कभी हाई राइज बिल्डिंग में वाटर का प्रेशर लो हो जाता है, तो उन लोगों के लिए फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। और ISO सर्टिफाइड कंपनी है ये फ्रेंड्स। और ये इंस्टेंट हीट है, वही मतलब जो मैंने अभी बताया कि वाटर हीटर, गैस वाले वाटर हीटर जो होते हैं वो होते ही इंस्टेंट वाटर हीटर हैं। इसमें मेंशन है 12 मंथ वारंटी। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें बता दूं आपको कि मुझे तो 2 ईयर की ऑन साइड वारंटी मिली है इसमें। और इसमें मेंशन है हैवी कॉपर हीट एक्सचेंजर, तो इसमें हैवी कॉपर का यूज़ किया गया है। वाकई में मैंने जब इसे मतलब उठाया तो मुझे काफ़ी हैवी लगा, लगभग 6 kg के लगभग इसका वेट लगा मुझे। JAS और ANZ, मतलब ये एक रिलायबल और क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसमें कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, इलेक्ट्रिकल इग्निशन, जीरो वाटर प्रेशर स्टार्टिंग, फ्लेम फेलियर सेफ्टी डिवाइस, ओवर वाटर प्रेशर प्रोटेक्शन डिवाइस, फायर एंड वाटर सेपरेट रेगुलेशन, 20 मिनट्स टाइमर, एंटी ड्राई बर्निंग प्रोटेक्शन और एंटी फ्रोजन डिवाइस। तो फ्रेंड्स, ये किसी भी गैस गीजर में बड़े ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो कि इसमें मेंशन किए गए हैं कि इसमें हैं। बॉक्स को जो है टर्न करके दिखाती हूँ मैं। इसका जो है गैस गीजर का साइड व्यू है ये, और इसकी MRP जो है 6000 रुपीज़ है। पर फ्रेंड्स, मुझे तो ये 3800 रुपीज़ का मिला था, और एक्सेसरीज मिला के 400 रुपीज़ की लगभग इसकी एक्सेसरीज आई थी, तो ये 4200 रुपीज़ का पड़ गया था मुझे। इंस्टॉलेशन फ्री था। फ्रेंड्स, देखिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। ये इसकी मेन यूनिट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको कि मैंने गैस गीजर यहाँ पर इंस्टॉल करवा लिया था। तो यहाँ पर 7 लीटर लिखा हुआ है, वो तो मैंने आपको पहले बताया था, 7 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये पानी देता है गर्म। और बाकी इसमें 3 नॉब्स हैं। पहला है बर्नल कंट्रोल। बर्नल, इसमें गैस गीजर में 3 बर्नल होते हैं। जैसे मैक्सिमम पर करेंगे हम तो इसको तीनों बर्नल ऑन हो जाएंगे, और मिनिमम पर करेंगे तो 2 बर्नल ऑन होंगे। दूसरा है इसका गैस कंट्रोल, इससे गैस की फ्लेम को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तीसरा है टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे वाटर का फ्लो ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर आपका कम रहेगा, और वाटर का फ्लो जब कम रहेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। बहुत से गीज़र में ये गैस टेम्परेचर कंट्रोल की जगह यहाँ पर वाटर फ्लो भी रहता है, मतलब मेंशन। और इसके ऊपर मेंशन है बर्निंग फॉर यूज़ इन वेल वेंटिलेटेड एरिया ओनली। तो फ्रेंड्स, इसमें मेंशन है कि जैसे जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा हो वहीं पर गैस गीजर को आप यूज़ करें। देखिए, जैसे कि मेरे यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में विंडो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वेंटिलेशन का काफ़ी अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। और यहाँ पर 3 पाइप्स दिख रहे होंगे, ये जो है तीनों पाइप्स के बारे में बताती हूँ मैं आपको।
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन पाइप है। तो ये पहला पाइप है कोल्ड वाटर इनलेट का, इससे जो है ठंडा पानी अंदर जाएगा गैस गीजर के, और दूसरा है हॉट वाटर आउटलेट, तो इसमें से गर्म पानी बाहर आएगा दूसरे वाले पाइप से, और तीसरा है गैस इनलेट। फ्रेंड्स, 1.5 वोल्ट के दो सेल यूज़ किए जाते हैं इस गैस गीजर में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और इनका यूज़ गैस गीजर को स्टार्ट करने के काम आता है। बाकी जब रनिंग कंडीशन में गैस गीजर होता है तो उनका कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। फ्रेंड्स, एक बात और शेयर करना चाहूँगी, जैसे लॉन्ग टाइम में आप गैस गीजर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे गर्मियों के सीजन में, तो इन दोनों जो है सेल को आप निकाल के रख सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये रहेगा कि जैसे एक्सीडेंटली आपका वाटर फ्लो ऑन हो भी जाएगा तो ये गैस गीजर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल लगे ही नहीं हुए हैं। दूसरा ये कि अगर आपने ज़्यादा गैस गीजर का यूज़ नहीं किया गया है तो ये सेल अगले सीजन में आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्रेंड्स मैं साइड व्यू दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर कुछ साइड में वेंटिलेशन होल बने हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और इसके फ्रंट में ये छोटे छोटे होल हैं। इससे आप जैसे गैस गीजर ऑन होगा तो यहाँ पर फ्लेम आप चेक कर सकते हैं, फ्लेम दिख जाती है यहाँ पर। और मैं साइड से चेक कर लेती हूँ, जैसे हम गैस गीजर ऑन करते हैं तो तुरंत यहाँ पर गैस जलती हुई दिखाई दे जाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि गैस गीजर में फ्लेम कैसे आ रही है। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर फ्लेम जल रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने टी कनेक्शन यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो ये एक गैस कनेक्शन से दो चीज़ें ऑपरेट हो जाती हैं, एक तो गैस स्टोव, दूसरा गैस गीजर। ये टी जो है आपको मार्केट में आराम से 20 या 30 रुपए में मिल जाएगी। करेंटली ये गैस गीजर अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है, पर मैंने इसकी कंपनी की वेबसाइट की लिंक शेयर कर दी है, तो वहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा सजेशन ये है कि आप इसे मार्केट से ही परचेज करें, क्योंकि कंपनी वाले ऑन साइट वारंटी 2 ईयर की देते हैं। ऑन साइट वारंटी का मतलब ये है फ्रेंड, जहाँ भी आपका घर होगा कंपनी वाले वहाँ आएंगे, तो एक बार आप डीलर से और चेक कर लीजिएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरा सजेशन ये है कि इस गैस गीजर को आप लोकल मार्केट से ही परचेज करें। फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गैस गीजर को आप जहाँ भी लगवाएं वहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर वेंटिलेशन नहीं है और आप मगर गैस गीजर को यूज़ कर रहे हैं तो उससे बहुत हार्मफुल गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।